हाँ तो गाइज अब बस कुछ ही घंटे रह चुके सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज वहां पर हमें देखने को मिलने वाला है एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न। इसके अलावा और भी काफी कुछ बड़ी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है वहां पर। एंड गाइज आज की इस वीडियो में मेरे पास रोमन रेंस एंड सीएम पंक के सर्वाइवर सीरीज में अपियर होने को लेकर अपडेट है, साथ ही साथ आखिर क्या कुछ चल रहे फाइनल बैटिंग ऑर्ड्स सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। तो गाइज सबसे पहले हम बैटिंग ऑर्ड्स के बारे में ही कर लेते हैं बात, क्योंकि आप सबको पता ही है हमें किसी पेपर व्यू का मैक्सिमम रिजल्ट्स बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग ही निकलते हुए दिखता है, जो कि लास्ट मौके पर चल रही होती है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते शुरुआत अपने सबसे पहले मैच से कर लेते हैं, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर वर्सेस द मिज के बीच। तो इस मैच के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है एंड कंफ्यूज भी है कि यहाँ पर कौन जीतेगा, बिकॉज मिज जिस तरह से बातें कर रहे देखकर लग रहा है कि वही लेने वाले हैं गुंथर से उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। लेकिन ऑर्ड्स के बारे में बात कर ली जाए देन गाइस यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड्स फेवर करिए गुंथर को, कि वो हमें हराते हुए दिखने वाले हैं द मिज को एंड रिटेन करने वाले हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि है वुमेन्स का वॉर गेम्स मैच, जहां पर एक साइड पर रहने वाली है बियांका बेलेर, बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर एंड शॉट जी, और उनके अगेंस्ट डैमेज कंट्रोल। तो अगेन इस मैच को भी लेकर फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि यहां पर किसकी जीत हमें देखने को मिलने वाली है। वहीं बात कर ली जाए बैटिंग ऑर्ड्स की देन गाइस बैटिंग ऑर्ड्स यहां पर थोड़ी शॉकिंग निकल कर आई है, क्योंकि बैटिंग ऑर्ड्स बेकी लिंच की टीम को नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल को फेवर कर रही है कि वो हमें हराते हुए दिखने वाली है बेकी लिंच की टीम को एंड जीतने वाली है इस वॉर गेम्स मैच को। तो अगर डैमेज कंट्रोल की यहां पर जीत होती है देन वो किस तरह से होती है वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है कार्लिटो वर्सेस सैंटोसिस को बार के बीच। सो अगेन इस मैच को भी लेकर फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि यहाँ पर किसकी जीत होने वाली है, बट बात कर ली जाए बैटिंग ऑर्ड्स की देन गाइस बैटिंग ऑर्ड्स सैंटोसिस को बार को फेवर कर रही है कि वो हमें हराते हुए दिखने वाले हैं कार्लिटो को। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रिया रिपली वर्सेस जोई स्टार के बीच। तो आप सबको पता ही है यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड्स में कौन आगे चल रही है, तो काफी ज्यादा मार्जिन से यहाँ पर हमें रिया रिपली आगे देखने को मिल रही है, यानी कि वो इजिली हमें हराते हुए दिखने वाली है जोई स्टार को एंड रिटेन करने वाली है अपनी चैंपियनशिप। और फाइनली हमें देखने को मिलने वाला है मेंस का वॉर गेम्स मैच, जहां पर एक साइड पर रहने वाले हैं कोडी रोड्स, जे उसो, सैमी ज़ेन, सेथ रॉलिंस एंड रैंडी ऑर्टन, और उनके अगेंस्ट जजमेंट डे एंड ड्रू मैकइंटायर। तो इस मैच के लिए तो फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है एंड सबसे ज्यादा एक्साइटेड है लगभग 1.5 सालों के बाद रैंडी ऑर्टन को देखने के लिए। वहीं बात कर ली जाए कि यहां पर हमें जीत किसकी होते हुए दिख सकती है, तो गाइस बैटिंग ऑर्ड्स हमें टीम कोडी को फेवर करते हुए दिख रही है कि वो हराने वाले जजमेंट डे एंड ड्रू मैकइंटायर को एंड जीतने वाले हैं इस वॉर गेम्स मैच को। सो गाइस यही थे वो सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के फाइनल बैटिंग ऑर्ड्स, जिसके अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स निकलते हुए दिखने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है मेंस के वॉर गेम्स मैच में हमें किसकी जीत होते हुए दिखने वाली है, टीम कोडी की या फिर जजमेंट डे की, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस एंड सीएम पंक को लेकर सर्वाइवर सीरीज से जुड़ी क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है। तो सबसे पहले सीएम पंक के बारे में कर लेते हैं बात। देन जैसा कि सीएम पंक के अच्छे खासे चांसेस लग रहे थे सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, बट रैंडी ऑर्टन के रिटर्न कंफर्म होने के बाद डेफिनेटली से काफी ज्यादा चांसेस कम चुके हैं सीएम पंक के रिटर्न के। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में नहीं आने वाले, ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता लग गई, जिसकी वजह से शिकागो में सीएम पंक के चांस को रोकने के लिए उन्होंने रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को कर दिया ऑफिशियल, जो कि काफी ज्यादा सेंस बना रहा है। और इसके बाद लोगों को लग रहा है कि अब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आने वाले, क्योंकि उनके एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच कोई डील ही साइन नहीं हुआ है। तो गाइस आप सबको बता दूं ऐसा नहीं है, बिकॉज अब कुछ रूमर ये निकल कर आने लगी है कि सीएम पंक का रिटर्न हमें देखने को मिलने वाला है रॉयल रंबल में, यानी कि वो हमें रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं 30 मैन रॉयल रंबल मैच में। इसलिए गाइस सीएम पंक के फैंस को डिसअपॉइंट होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, भले सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक ना आए लेकिन वो हमें देखने को मिल सकते हैं रॉयल रंबल में। और सेथ रॉलिंस तो कई सारे हिंट दे ही रहे थे रॉ में सीएम पंक को लेकर, क्या पता सीएम पंक हमें रॉयल रंबल मैच भी जीतते हुए दिख जाए, फिर वो चैलेंज करते हुए दिखे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस को। वहीं बात कर ली जाए रोमन रेंस के बारे में देन यस ये वीडियो मैं स्मैकडाउन से पहले बना रहा हूं, और अभी तक ब्लड लाइन का हमें कोई भी मैच ऑफिशियल होते हुए नहीं दिखा है सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट में, जो कि शायद से बहुत रेयर ही होता है कि हमें ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर पार्ट रहते हुए ना दिखे किसी प्रीमियम लाइव इवेंट का। इसलिए ब्लड लाइन का कोई मैच तो ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट हाँ उनका हमें कुछ सेगमेंट वगैरह देखने को मिल सकता है, जो कि बैक स्टेज से हो सकता है या फिर जो सबसे बड़ी चीज हो सकती है कि वो हमें मेंस वॉर गेम्स मैच में आकर अटैक करते हुए दिखे टीम कोडी पर। बिकॉज स्मैकडाउन में जाकर कोडी रोड्स ने अटैक किया था ब्लड लाइन पर, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ सेंस हो सकता है। और अगर रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंस का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल में ही करने का प्लान कर रही है, तो हो सकता है हमें जिमी उसो एंड सोलो सिकुआ के साथ रोमन रेंस भी देखने को मिल जाए, जो कि आकर अटैक करे रैंडी ऑर्टन पर।
या फिर क्या ही पता जब टीम कोडी जीत जाए तो हमें पूरी की पूरी ब्लड लाइन कन्फ्रंट करते हुए दिखे टीम कोडी को। इसलिए गाइस जब स्मैकडाउन में जाकर कोडी रोड्स ने अटैक किया था ब्लड लाइन पर, तो इसका जरूर से कुछ ना कुछ हमें मतलब निकलते हुए दिख सकता है सर्वाइवर सीरीज में। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है मेंस वॉर गेम्स मैच में हमें कौन सा काफी बड़ा शॉकर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। हाँ तो गाइज अब बस कुछ ही घंटे रह चुके सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज वहां पर हमें देखने को मिलने वाला है एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न। इसके अलावा और भी काफी कुछ बड़ी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है वहां पर। एंड गाइज आज की इस वीडियो में मेरे पास रोमन रेंस एंड सीएम पंक के सर्वाइवर सीरीज में अपीयर होने को लेकर अपडेट है, साथ ही साथ आखिर क्या कुछ चल रहे फाइनल बैटिंग ऑर्ड्स सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। तो गाइज सबसे पहले हम बैटिंग ऑर्ड्स के बारे में ही कर लेते हैं बात, क्योंकि आप सबको बताइए हमें किसी पेपर व्यू का मैक्सिमम रिजल्ट्स बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग ही निकलते हुए दिखता है, जो कि लास्ट मौके पर चल रही होती है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत अपने सबसे पहले मैच से कर लेते हैं, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर वर्सेस द मिज के बीच। तो इस मैच के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है एंड कंफ्यूज भी है कि यहाँ पर कौन जीतेगा, बिकॉज मिज जिस तरह से बातें कर रहे देखकर लग रहा है कि वही लेने वाले हैं गुंथर से उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। लेकिन ऑर्ड्स के बारे में बात कर ली जाए, देन गाइस यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड्स फेवर करिए गुंथर को, कि वो हमें हराते हुए दिखने वाले हैं दी मिज को एंड रिटेन करने वाले हैं अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि है वुमेन्स का वॉर गेम्स मैच, जहां पर एक साइड पर रहने वाली है बियांका बेलेर, बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर एंड शॉट जी, और उनके अगेंस्ट डैमेज कंट्रोल। तो अगेन इस मैच को भी लेकर फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि यहां पर किसकी जीत हमें देखने को मिलने वाली है। वहीं बात कर ली जाए बैटिंग ऑर्ड्स की, देन गाइस बैटिंग ऑर्ड्स यहां पर थोड़ी शॉकिंग निकल कर आई है, क्योंकि बैटिंग ऑर्ड्स बेकी लिंच की टीम को नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल को फेवर कर रही है कि वो हमें हराते हुए दिखने वाली है बेकी लिंच की टीम को एंड जीतने वाली है इस वॉर गेम्स मैच को। तो अगर डैमेज कंट्रोल की यहां पर जीत होती है देन वो किस तरह से होती है वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है कार्लिटो वर्सेस सैंटोसिस्को बार के बीच। सो अगेन इस मैच को भी लेकर फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि यहाँ पर किसकी जीत होने वाली है, बट बात कर ली जाए बैटिंग ऑर्ड्स की, देन गाइस बैटिंग ऑर्ड्स सैंटोसिस्को बार को फेवर कर रही है कि वो हमें हराते हुए दिखने वाले हैं कार्लिटो को। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रिया रिपली वर्सेस जोई स्टार के बीच। तो आप सबको पता ही है यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड्स में कौन आगे चल रही है, तो काफी ज्यादा मार्जिन से यहाँ पर हमें रिया रिपली आगे देखने को मिल रही है, यानी कि वो इजिली हमें हराते हुए दिखने वाली है जोई स्टार को एंड रिटेन करने वाली है अपनी चैंपियनशिप। और फाइनली हमें देखने को मिलने वाला है मेंस का वॉर गेम्स मैच, जहां पर एक साइड पर रहने वाले हैं कोडी रोड्स, जे उसो, सैमी ज़ेन, सेथ रॉलिंस एंड रैंडी ऑर्टन, और उनके अगेंस्ट जजमेंट डे एंड ड्रू मैकइंटायर। तो इस मैच के लिए तो फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है एंड सबसे ज्यादा एक्साइटेड है लगभग 1.5 सालों के बाद रैंडी ऑर्टन को देखने के लिए। वहीं बात कर ली जाए कि यहां पर हमें जीत किसकी होते हुए दिख सकती है, तो गाइस बैटिंग ऑर्ड्स हमें टीम कोडी को फेवर करते हुए दिख रही है कि वो हराने वाले जजमेंट डे एंड ड्रू मैकइंटायर को एंड जीतने वाले हैं इस वॉर गेम्स मैच को। सो गाइस यही थे वो सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के फाइनल बैटिंग ऑर्ड्स, जिसके अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स निकलते हुए दिखने वाले। वैसे आपको क्या लगता है मेंस के वॉर गेम्स मैच में हमें किसकी जीत होते हुए दिखने वाली है, टीम कोडी की या फिर जजमेंट डे की, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस एंड सीएम पंक को लेकर, सर्वाइवर सीरीज से जुड़ी क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है। तो सबसे पहले सीएम पंक के बारे में कर लेते हैं बात, देन जैसा कि सीएम पंक के अच्छे खासे चांसेस लग रहे थे सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, बट रैंडी ऑर्टन के रिटर्न कंफर्म होने के बाद डेफिनेटली से काफी ज्यादा चांसेस कम चुके हैं सीएम पंक के रिटर्न के। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में नहीं आने वाले, ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता लग गई, जिसकी वजह से शिकागो में सीएम पंक के चैंट्स को रोकने के लिए उन्होंने रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को कर दिया ऑफिशियल, जो कि काफी ज्यादा सेंस बना रहा है। और इसके बाद लोगों को लग रहा है कि अब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आने वाले, क्योंकि उनके एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच कोई डील ही साइन नहीं हुआ है। तो गाइस आप सबको बता दूं ऐसा नहीं है, बिकॉज अब कुछ रूमर ये निकल कर आने लगी है कि सीएम पंक का रिटर्न हमें देखने को मिलने वाला है रॉयल रंबल में, यानी कि वो हमें रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं 30 मैन्स रॉयल रंबल मैच में। इसलिए गाइस सीएम पंक के फैंस को डिसअपॉइंट होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, भले सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक ना आए लेकिन वो हमें देखने को मिल सकते हैं रॉयल रंबल में।
और सेथ रॉलिंस तो कई सारे हिंट दे ही रहे थे रॉ में सीएम पंक को लेकर, क्या पता सीएम पंक हमें रॉयल रंबल मैच भी जीतते हुए दिख जाए फिर वो चैलेंज करते हुए दिखे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस को। वही बात कर ली जाए रोमन रेंस के बारे में, देन यस ये वीडियो मैं स्मैकडाउन से पहले बना रहा हूँ और अभी तक ब्लड लाइन का हमें कोई भी मैच ऑफिशियल होते हुए नहीं दिखा है सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट में, जो कि शायद से बहुत रेयर ही होता है कि हमें ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर पार्ट रहते हुए ना दिखे किसी प्रीमियम लाइव इवेंट का। इसलिए ब्लड लाइन का कोई मैच तो ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट हाँ उनका हमें कुछ सेगमेंट वगैरह देखने को मिल सकता है जो कि बैक स्टेज से हो सकता है, या फिर जो सबसे बड़ी चीज हो सकती है कि वो हमें मेंस वॉर गेम्स मैच में आकर अटैक करते हुए दिखे टीम कोडी पर। बिकॉज स्मैकडाउन में जाकर कोडी रोड्स ने अटैक किया था ब्लड लाइन पर, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ सेंस हो सकता है। और अगर रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंस का मैच WWE रॉयल रंबल में ही करने का प्लान कर रही है, तो हो सकता है हमें जिमी उसो एंड सोलो सिकुआ के साथ रोमन रेंस भी देखने को मिल जाए जो कि आकर अटैक करे रैंडी ऑर्टन पर। या फिर क्या ही पता जब टीम कोडी जीत जाए तो हमें पूरी की पूरी ब्लड लाइन कन्फ्रंट करते हुए दिखे टीम कोडी को। इसलिए गाइस जब स्मैकडाउन में जाकर कोडी रोड्स ने अटैक किया था ब्लड लाइन पर, तो इसका जरूर से कुछ ना कुछ हमें मतलब निकलते हुए दिख सकता है सर्वाइवर सीरीज में। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है मेंस वॉर गेम्स मैच में हमें कौन सा काफी बड़ा शॉकर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।